Hello everyone, welcome to the team of Professor MH. This is Shahida Bawa. We'll start with benefits of e-commerce today. We already studied what is e-commerce, right? We already learned the meaning of e-commerce, but still we'll first revise the meaning of e-commerce and then we'll go further with the benefits of e-commerce. Alright, so let's start. The meaning of e-commerce. E-commerce generally means electronic commerce, which relates in transaction of goods and services through electronic mode. This is what we already did, right? So electronic commerce kya hota hai? Jab hum trading karte hai goods and services electronic mode pe, jab hum exchange karte hai goods and services electronic mode pe, तब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ऑलराइट, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो किस तरीके से बेनिफिट है. सो इलेक्ट्रॉनिक इज़ बेनिफिट टू द कस्टमर, इट इज़ बेनिफिट टू द ई मार्केटर, आई कैन से वेंडर और इट मे बी द सेलर. ओके, एंड देन ई कॉमर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल. सो नाउ वॉट वी आर गोना डू इज फर्स्ट we'll start with the benefits to the buyer. Okay? So, सबसे पहला जो benefit है buyer को वो क्या मिलता है electronic commerce से? तो electronic commerce के through buyer convenience होता है shopping के लिए, है ना? हमें you know physically जाना नहीं पड़ता है. We don't need to travel to the store, to the place, you know, to buy goods and services. But what are we gonna do is e-commerce में generally हम कहीं पर भी क्यों ना हों हम आराम से सामान शॉपिंग कर सकते हैं, राइट? तो कन्वीनियंस इन शॉपिंग इज मतलब लाइक एवरी प्रोडक्ट और सर्विसेज इज अवेलेबल एट द टिप ऑफ यू नो इंडिविजुअल्स फिंगर टिप्स ऑन द इंटरनेट. तो हाउएवर बट इन द केस ऑफ एस आई सेड अर्लियर इन फिजिकल स्टोर वन हैज यू नो वन नीड टू ट्रेवल टू द स्टोर टू बाय द गुड्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंस हो जाता है शॉपिंग के लिए. नेक्स्ट, एनी टाइम शॉपिंग. ये हम यू नो कभी भी हम अगर सोचते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस गए अभी तो हमारा स्टोर जो है वो बंद हो जाएगा, पर ई कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. अ कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर एनी टाइम एज पर देयर कन्वीनियंस, यू नो लाइक 24/7 एनी टाइम, डे हो या नाइट हो, कभी भी हमारा दिल करेगा हम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ फिजिकल स्टोर वन कैन नॉट डू शॉपिंग ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम्स, है ना, कि बस नहीं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का मॉल ओपन है, हमें सिर्फ इतने टाइम पीरियड पर यू नो शॉपिंग करना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट, लोअर प्राइस. प्राइस एज कंपेरेटिव हमेशा कम होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू नो डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, यहाँ पे हमें कूपन्स मिलते रहते हैं, हमें कैशबैक मिलता रहता है. तो ऑनलाइन में हमें प्राइजेस बहुत कम से कम अच्छे खासे ब्रांड मिल जाते हैं. ऑलराइट, एंड द लास्ट इज इंसेंटिव. सी, ऑनलाइन मार्केटर्स प्रोवाइड लॉयल्टी इंसेंटिव्स टू रेगुलर ऑनलाइन शॉपर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम यू नो बाइंग इफ आई एम ओनली डूइंग शॉपिंग ऑन फ्लिपकार्ट, ओके, तो अगर मैं फ्लिपकार्ट की लॉयल कस्टमर्स हूँ तो दे विल प्रोवाइड मी विद सम यू नो स्पेशल डिस्काउंट्स और यू कैन से लॉयल्टी पॉइंट्स. तो ये जो है मैं वो नॉर्मली यू नो रिडीम कर सकती हूँ लेटर डेट पर. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिल जाते हैं. ऑलराइट, तो बेनिफिट्स टू द बायर, फर्स्ट इज कन्वीनियंस इन शॉपिंग, सेकेंड दे डोंट हैव टू यू नो सी लुक एट द टाइम, बट हम कभी भी 24/7 शॉपिंग कर सकते हैं, प्राइजेस जो है वो बहुत कम होते हैं, और बींग अ लॉयल कस्टमर्स हमें इंसेंटिव अच्छे खासे मिल जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू द ई मार्केटर और आई कैन से द वेंडर. तो सो द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड मार्केट, या हम कह सकते हैं यू नो ग्लोबल मार्केट. तो ऑनलाइन मार्केटर्स जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है अपने कस्टमर्स कहीं पर भी ऑल ओवर द ग्लोब, ओके, एंड कंप्लीट इन द वर्ल्ड मार्केट. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही हो, सिर्फ और सिर्फ US में ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ई मार्केटर, वेंडर, सेलर जो है वो अपने कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब कर सकता है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑडियंस मेजरमेंट. ओके,
ऑडियंस साइजिंग जिसे हम कहते हैं. तो मार्केटर्स कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्संस दैट हैव विजिटेड देयर ऑनलाइन साइट एंड यू नो द नंबर ऑफ पर्संस दैट हैव शॉप. ऑलराइट, तो ये जो है हमें आराम से मिल जाता है. तो इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी यू नो पर्सन ने हमारा साइट कितने टाइम यू नो व्यू किया है, साइट किया है, तो ये सब क्या हो जाता है, हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो नॉट ओनली टू अ लिमिटेड प्लेस बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बने हुए हैं. ऑलराइट, अब जब लो इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर लोअर इन्वेस्टमेंट होता है यू नो एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल स्टोर्स जहाँ पे यू नो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है. वी नीड टू यू नो टेक अ शॉप, पे द रेंट, नॉट इफ़ द रेंट तो अगर हमें ओन करना है यू नो वी नीड टू पे अ लमसम अमाउंट. पर यहाँ पर ऐसा हमें कोई स्टोर ख़रीदना ही नहीं है. ऑलराइट, आराम से सिर्फ थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा वो होगा तुम्हारा वेबसाइट का कॉस्ट, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स. आराम से योर कस्टमर्स कैन यू नो और प्लेस एन ऑर्डर, दैट्स इट, ख़त्म. तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है. अब जब इन्वेस्टमेंट कम है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो होगा ही नहीं है ना. ठीक है, हमें रेंट पे नहीं करना है. स्टाफ सैलरी जो है वो बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल मार्केट. यहाँ पर ऐसे हमें इंश्योरेंस चार्जेस भी जो है वो बहुत ही लो करना पड़ता है. मेंटेनेंस कॉस्ट तो है ही नहीं कुछ भी. तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो अपने आप कम हो जाते हैं. ऑलराइट, एंड द लास्ट कस्टमर रिलेशनशिप. सी, द सेलर कैन मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर. वाई? बिकॉज दे कीप ऑन यू नो आस्किंग फॉर द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स. यू मे हैव सीन फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या स्नैपडील हो एक्सेट्रा, जब भी हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहाँ पर लिख कर आता है रेट दिस ऐप करके, राइट, रेट योर सेलर. तो वी कीप ऑन रेटिंग. सो कहीं ना कहीं दे गेट फीडबैक फ्रॉम द स्टार्स दैट वी यू नो गिव दैम. So this is nothing but you know maintaining a relationship between the customers and the vendor. So benefit to the vendor is global market or I can say world market, audience measurement or audience sizing. Then your investment is low, which in turn will lower your operating cost, and the relationship is also very good with the customer and the vendor. लास्ट इज़ बेनिफिट टू द गवर्नमेंट. यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट है वो है इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइट करप्शन, है ना. यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो विजन है टूवर्ड्स द ई कॉमर्स, तो वो लीगल फ्रेमवर्क, ओके, इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अगर हम बात करें, तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स अ वेरी लीगल फ्रेमवर्क, ओके, कि कोई भी कॉपी राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकता है. ऑलराइट, तो ये कहीं ना कहीं दे फाइट करप्शन. नेक्स्ट दे सेड इज यूज़ ऑफ इकोलॉजिकल मटेरियल, है ना. हम स्टोर में जा रहे हैं, हमें बैग्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्हाट आर वी डूइंग, हम अपना जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट कर रहे हैं. फैक्ट्री सेटअप हो रही है, ठीक है, अगेन इतने बड़े बड़े मॉल सेटअप हो रहे हैं, ट्रीज काटी जा रही है. यहाँ पर ई कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, जगह की तो यू नो यूटिलाइजेशन ही नहीं है. तो यहाँ कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ऑलराइट, तो दिस इज़ बेनिफिट टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वी कैन इवन एड ऑन पेइंग टैक्स, है ना. ई कॉमर्स जिसने भी यू नो अगर फ्लिपकार्ट वाला है, अमेजोन है, दे पे रेगुलर टैक्स टू द गवर्नमेंट. ऑलराइट, सो अगेन दिस इज़ बेनिफिशियल टू द गवर्नमेंट. ऑलराइट, सो दिस वर द बेनिफिट्स टू द benefits of e-commerce to the buyer, to the vendor and then to the government. All right, hope ye jo concept tha wo samajh mein aaya hoga. If yes, do like, share and subscribe. And last and not the least, see, the capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, the willingness to learn is a choice. Therefore, happy learning and keep learning. Do share, like and subscribe the channel. Thank you.